हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस सनस्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ड्रग स्टोर के बेस सनस्क्रीन। सो फर्स्ट सनस्क्रीन है VLCC नेचुरल साइंस का 3D यूथ बूस्ट सनस्क्रीन जेल क्रीम विथ SPF 40 PA++। ये पैराबिन फ्री सनस्क्रीन है। ये यूज़ करने से आपके स्किन पर के जो डार्क स्पॉट है वह कम हो जाते हैं, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। इसके पैक के पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन ऑफ यूज़, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसका प्राइस है 375 रुपीज़ और ये आपको 100 ग्राम में मिल जाता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाता है। ये एक ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आता है। इसको ओपन करने के बाद इसकी जो क्रीम है वो वाइट कलर की क्रीम है। ये बिल्कुल नॉन स्टिकी सनस्क्रीन है और ये जेल फॉर्म में आता है। इसको लगाने के बाद ये अच्छी तरह से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देगा। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नेक्स्ट सनस्क्रीन है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का सन ब्लॉक लोशन विथ 30 SPF PA++। ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। इसका प्राइस है 320 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। ये सनस्क्रीन जो है वो लाइट पिंक कलर के है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन अच्छी तरह से मैट हो जाती है। ये बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं देता है स्किन पे, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जो थर्ड सनस्क्रीन है वो है जोविस का सन गार्ड 3-in-1 मैट लोशन। ये भी पैराबिन फ्री है। ये SPF 60 PA++ के साथ आता है। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसका प्राइस है 335 रुपीज़। ये सनस्क्रीन है, ये आपको वाइट कास्ट देता है। अगर आप इसको लगाएंगे और आपको अगर स्वेटिंग हो गई तो ये आपके फेस पे पूरा वाइटनेस देता है। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज है, पर अगर आप बेयर कर सकते हो तो ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। नेक्स्ट सनस्क्रीन है एवर यूथ का सन ब्लॉक लोशन विथ चेरी UVA एंड UVB प्रोटेक्शन नॉन स्टिकी। ये SPF 30 PA++ के साथ आता है। इसका प्राइस है 175 रुपीज़। ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सनस्क्रीन लोशन है और ये आप ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है क्योंकि ये एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको कम क्वांटिटी पे लेके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये पॉन्ड्स का सन प्रोटेक्टेड नॉन ऑयली सनस्क्रीन। ये SPF 30 PA++ के साथ आता है। ये सबसे अफोर्डेबल सनस्क्रीन है। इसका प्राइस है जस्ट 99 रुपीज़। ये आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। सो ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके स्किन को मैट लुक देता है और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देगा। इसका 50+ भी अच्छा है, लोशन आता है सेम। सो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये जॉय का हेलो सन सन ब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन। ये भी 40+ SPF के साथ आता है। ये स्किन को डार्क होने से प्रोटेक्ट करता है। इसका प्राइस है 125 रुपीज़ और ये आप हैंड्स पे वगैरह यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा चीप सनस्क्रीन है। सो आपको फेस पे अच्छा ही ब्रांड का यूज़ करना चाहिए। आप इसे हैंड्स पे वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो आप इसे ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये जेवर्स का 50 SPF का सनस्क्रीन विद जोजोबा ऑयल, शिया बटर एंड विटामिन ई। ये भी एक मार्केट में न्यू लॉन्च सनस्क्रीन है।
ये एनिमल पे टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ये सनस्क्रीन जेल लाइक स्ट्रक्चर में है, नॉन स्टिकी है और बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। अगर आप चाहते हो तो इसे ले सकते हो। वैसे ये आपको लोकल शॉप में ही मिलेगा, ऑनलाइन तो ये मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो। सो आप ट्राई कर सकते हो इसको। अगर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना नहीं चाहते हो तो ये आप लैक्मे का सन एक्सपर्ट का अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट है अगर आपको बार बार लगाना हो तो। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।